हमारे पास दो ऑप्शन है, एक अच्छाई और एक बुराई। इख्तियार आपको करना है कि आप अच्छाई इख्तियार करेंगे या बुराई इख्तियार करेंगे। बरकत नीयत से होती है, किसी भी अमल में बरकत अच्छी नीयत से होती है। अगर कोई रोजा इसलिए रख रहा है, जैसे बहुत सारे फायदे गिनाए जाते हैं ना, रोजा रखने से कैंसर नहीं होता, रोजा रखने से जिस्म के फासिद मादे खत्म हो जाते हैं, निकल जाते हैं, डॉक्टर्स भी मशवरा देते हैं महीने में एक मरतबा, हफ्ते में एक मरतबा बॉडी को फ्री छोड़ना चाहिए। तो ये तो जिस्मानी फायदे तो रखे गए हैं, लेकिन अगर तुम रोजा इस नीयत से रख रहे हो कि मेरी बॉडी सही होती रहे, तो गोया कि तुम तो अपनी दुनियावी गरज से रोजा रख रहे थे। ये फायदे तो मिलना ही मिलना है, ये फायदे यूं भी मिलेंगे अल्लाह ताला की तरफ से आपको, लेकिन नीयत वो नहीं। रोजा रखने की नीयत ये हो कि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए और मुझे रब तबारक व ताला का खौफ और तकवा हासिल हो जाए। नीयत में बरकत है, और जिन कामों को आप अच्छी नीयत से करेंगे उसी